मैं हूँ सायना नाजिम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पंटेक फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब, आप उस पर टच कीजिए और उसके बराबर में ही आपको बेल आइकन नजर आ रहा है उसे भी क्लिक कर लीजिए। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली मज़े की रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिलेगी और आप इंजॉय कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इस मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पाँच सौ ग्राम मेरे पास चावल हैं, 250 ग्राम मैंने मटर लिए हैं। इसको सिर्फ मैंने दो से तीन उबाल आने तक इसको बॉयल किया है, हल्का ही उबालना है, मैं पूरा बॉयल नहीं करने है। बाकी मसाले में हम गलाएंगे इन मटर को। दो प्याज लिए हैं मैंने, इनको भी ब्राउन करके मैंने निकाल लिया है। ये 2 टेबल स्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 2 टेबल स्पून ही मैंने छोटी वाली जो हरी मिर्चें हैं उसको पीस के रखा है। 2 मीडियम साइज़ मेरे पास टमाटर हैं, 125 ग्राम मैंने दही लिया है। ये 1 टीस्पून मेरे पास वाइट ज़ीरा है, 1 टीस्पून ही ये गरम मसाला मिक्स साबुत लिया है मैंने। इसमें काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी वगैरह सब मौजूद है इसमें। और ये तकरीबन 1/2 टीस्पून मेरे पास बादियान के फूल हैं, इसको तोड़ के रख लिया मैंने। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून पिसा धनिया है। सबसे पहले मैं ये करूँगी, मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसी के अंदर मैं ये तमाम मसाले डालना शुरू करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, बादियान के फूल, पिसी हुई मिर्चें और ये नमक और पिसा हुआ धनिया, टमाटर, ये तमाम मैंने एक ही जगह मसाला रख लिया है। सिर्फ ये ज़ीरा और दही अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, ज़ीरा और दही का यूज़ मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी। मसाला हमारा भुनाई पे आ गया है, जिसमें मैंने प्याज ब्राउन करने रखे थे इसी पतीली के अंदर मैंने 1 टीस्पून वो जो हमने ज़ीरा दिखाया था वाइट, तो वो डाला मैंने। वो जैसे इसमें हल्की सी खुशबू आने लगी तो जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे इसी ऑयल में मैंने वो मसाले डाल दिए हैं। अब ये टमाटर भी नरम पड़ गए हैं और ऑयल भी ऊपर आने लग गए हैं, तो अब ये जो दही मैंने रखा है ये दही डालूँगी मैं। दही के साथ ही मैं मटर डाल रही हूँ उसमें। मटर गलने तक मैं इसको पकाऊंगी, मटर जब गल जाएंगे जब तक मटर, ये देखें हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास जितना पानी डालूंगी। और इसके साथ ही हम ये चावल डालेंगे। ये चावलों को मैंने तकरीबन 20 मिनट भिगाया है। इसके साथ ही हम डालेंगे नमक, नमक आप अपने हिसाब से ज़रूरत ले लें। मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है। ब्राउन प्याज जो मैंने रखी हुई थी ये ब्राउन प्याज में डालूँगी थोड़ी। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, ये डालूँगी मैं। अब हम इसे फुल चूल्हा खोल कर मैं पकाने रखे हूँ। चावल अब ये दम पे आ रहे हैं, अब मैं इसे 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी चावल को। बस अब मैं इसको दम पे लगा रही हूँ 10 मिनट के लिए। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे हैं हमारे चावल दम पे आ चुके हैं। अब मैं इसको सर्विंग ट्रे में निकालूंगी और इसके सर्विंग ट्रे में निकालने के बाद मेरे को गार्निशिंग के लिए चाहिए 3 चीज़ें। मैंने हरा धनिया लिया है और ब्राउन प्याज ली है, थोड़े से ये मेरे पास बॉयल हुए हुए मटर हैं ये लिए हैं मैंने, इससे हम गार्निश करेंगे। तो चलिए मैं सर्विंग ट्रे में निकालती हूँ इसको। फ्रेंड्स ये मैंने निकाल दिया सर्विंग ट्रे में, आप देख सकते हैं मटर पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है।